Very good morning, my dear students. Today, we are about to start the chapter number one, which is known as socio religious reforms. Socio religious means uh, the things which are related with society as well as with religion. Religion is an integral part of our life in India as well as in other countries also. Uh, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन तो मैंने आपसे कई बार कई चीज़ें हिस्ट्री के बारे में बात की और डिस्कशन किया है society, कि सोसाइटी की जितनी सिविलाइजेशन्स थी इन द ओल्ड टाइम्स जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी वो सभी के सभी किसी न किसी रिवर के किनारे पे टिकी हुई थी जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं सिंधु घाटी मीन्स वॉट इंडस इंडस इज रिवर जिसके पास में सिंधु घाटी में आप देखेंगे तो कितना एडवांस लेवल का उनका वर्क था कितने एडवांस लेवल के वो लोग थे उनकी उन उन्होंने किस किस टाइप के जो रोड uh, सिस्टम uh, था नालियों का जो सिस्टम था उनका सीवरेज सिस्टम था वो बहुत ही सुपर सीवरेज सिस्टम सुपर था तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे फिर मायन सिविलाइजेशन जिनका कैलेंडर ऐसा बोला जाता है कि ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेल्व के अंदर ख़त्म हो गया था तो वो एकदम पिन पॉइंट पिक्चर परफेक्ट एक बाल का रेशा होता है हमारा जो हेयर स्ट्रैंड है उस लेवल तक की प्रेसिजन के साथ उन्होंने बिल्डिंग आर्किटेक्चर किया हुआ था उसके बाद आप देखें तो पिरामिड्स फ़राउस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको लेटर ऑन सिविलाइजेशन से पता चलती जैसा मैंने आपको कई चैप्टर्स में बताया है कि कॉन्स्टेंटिनापोल जिसे आज की तारीख़ का इस्तानबुल बोला गया है और अलग अलग टाइप से अ, बाइबल के अंदर उसका नाम कॉन्स्टिट्यूटोपोल के नाम से आता है जबकि आप देखेंगे तो आ, इस्लाम के अंदर उसे कुस्तुन्तुनिया उस के नाम से जाना गया ये एक ऐसी अरबिक सिटी थी जो लास्ट पॉइंट था पोर्ट था जहाँ जो जहाँ से होते हुए लोग ईरान इराक कज़ाकस्तान जो अभी मंगोलिया और बहुत सारी जगहों से होते हुए फिर वो इंडिया का जो चांदनी चौक है वहाँ से होते हुए और फिर वो चाइना तक जाते थे फॉरबिडन सिटी तक पहुंचते थे ये पुस्तूनिया की जो कहानी है ये मैंने आपको कहानी सुनाई थी और ये सब जो चीज़ें हिस्ट्री इज़ वेरी फैसिनेटिंग क्यों जब जो शाह उन्होंने जब रोक लगा दी वॉर के ऊपर सॉरी एम सो सॉरी बिजनेस के ऊपर जब रोक लगा दी कि हम यहाँ से किसी को चलने नहीं देंगे तब जो ब्रिटिश पीपल थे और जो पॉर्चुगेज़ थे डच थे उनके अंदर एक प्रकार का वॉर शुरू हो गया दे वांटेड कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पाइसेस लें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लॉथ जो कि वहाँ पे कॉटन जो है वो वहाँ पे अच्छी वैरायटी का इंडिया के अंदर और बहुत अलग अलग जगहों पर मिलता है तो वो उनसे वो प्रॉम्प्ट होकर फिर आगे बढ़ने लगे आज के चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं इन द नाइनटीन सेंचुरी इंडियन सोसाइटी वॉज इन्फेस्टेड विद वेरियस सोशल लेवल्स अब हम इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे सोश सोसाइटी सो, का क्या मतलब होता है सोसाइटी जब हम एक बंच uh, ऑफ ग्रुप के अंदर हम कुछ पीपल एक साथ रहते हैं और डिसाइड करते हैं हम कुछ नॉर्म्स को फॉलो करेंगे और उस नॉर्म्स के अंतर्गत रहते हुए हम सभी के जितने भी हित हैं जितनी भी हमारी जो पॉपुलर बिलीफ्स हैं उसको हम एक साथ मानेंगे और सबको अपना जीवन जीने का अधिकार देंगे तो वो एक प्रकार की सोसाइटी बनती है जहाँ पे लिव एंड लेट लिव जो उसका बेस वो है बेसिक इंस्टिंक्ट वही है तो यहाँ पे जो इंडियन जो सोसाइटी चली आ रही है सालों से हज़ारों सालों से उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि सही नहीं थी हर चीज़ के अंदर सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है कहीं कही ना कहीं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं तो वो उसके बारे में पिन पॉइंट किया गया जब हम वेस्टर्न uh, एजुकेशन से थोड़ा सा क्लोज आए तो हमको पता चला उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और हमें ये भी पता चला हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं सो लेट्स टॉक अबाउट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द नाइनटीन सेंचुरी इंडियन सोसाइटी वॉज इन्फेस्टेड विद वेरियस सोशल इविल्स लाइक सुपरस्टिशन इलिटरेसी इग्नोरेंस एंड एविल सोशल कस्टम्स कास्ट सिस्टम एसेट्रा अब ये जो पूरी बात है उसको थोड़ा समझने के लिए हमको बहुत ही स्लोली जाना पड़ेगा इन द नाइनटीन सेंचुरी इंडियन सोसाइटी वॉज़ इन्फेस्टेड इन्फेस्टेड का मतलब है बुरे तरीके से जकड़ा होना ठीक है इन्फेस्टेड वर्ड मैंने पहली बार जब पढ़ा था वो था मिहिर सेन जो इंडिया के फर्स्ट स्विमर थे जब वो पाक स्ट्रेट तैयार करके जा रहे थे तब उन उन्होंने ऐसा लिखा था कि पाक स्ट्रेट वॉज इन्फेस्टेड विद डेंजरस स्नैक्स एंड शार्क्स तब मुझे वो वर्ड मैंने पहली बार सुना था तो इन्फेस्टेड वर्ड ये इटमोलॉजी वर्ड की इटमोलॉजी यानी हिस्ट्री भी हमको पकड़ के रखनी चाहिए तो हमको ज़्यादा पता चला उसके बारे में तो वो एक कनेक्ट कनेक्शन बैठ जाता है विद वेरियस सोशल इवल्ट बहुत सारे सोशल इवल्ट्स के से हमारी सोसाइटी झगड़ी हुई थी लाइक like सुपरस्टिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज भी है सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास कुछ ऐसी चीज़ों पे हम यकीन करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और हमारी अंधविश्वास का लोग फ़ायदा उठा के हमें मनी uh, से भी बेवकूफ़ बनाते हैं और इवेंचुअली आप देखेंगे तो हमारे को और भी अदर लॉसेज होते हैं इलिट्रेसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलिट्रेसी मतलब अज्ञानता पढ़ाई ना करना इग्नोरेंस अज्ञानता एंड सोशल कस्टम्स कुछ ऐसे रीति रिवाज जिसका कोई मतलब ही नहीं है तो भी हम उनको अपनाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं बिकॉज हमारे एल्डर्स वो करते थे कास्ट सिस्टम हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो किस टाइप का है कास्ट सिस्टम में आपको आइडिया होगा कि Uh, कुछ ऐसे कास्ट हैं जो अपने आप को अपर लेवल का मानते हैं और बाकी जो कास्ट है उनको वो लोअर लेवल का मानते हैं तो उस चक्कर के अंदर क्या होता है कि उन दोनों के अंदर बैलेंस कभी नहीं बैठ पाता और हम अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उन दोनों के बीच के अंदर जब पाते हैं तो इवेंचुअली हमारा जो एक बेसिक मैनकाइंड है सबके अंदर वही मास वही ब्लड है बट हम एज ह्यूमन ह्यूमन टच हमारा खो जाता है तो ये सारी जो चीज़ें थी दीज थिंग्स आर सोशल ईविल एट्सेट्रा मैंने आपको ई एट्सेट्रा का स्पेलिंग भी एट स्टैंडर्ड में बताया था आपको याद हो तो ई टी स्पेस सी ई टी आर ए इट इज़ फ्राम लैटिन वर्ड एट्सेट्रा इसका प्रोनाउंसिएशन है एट्सेट्रा द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज वर्स्ट इन द नैरो माइंडेड सोसाइटी और महिलाओं की जो प्रॉब्लम थी वो तो और ज़्यादा वर्स्ट बहुत बुरी थी इन द नैरो माइंडेड सोसाइटी नैरो माइंडेड मतलब संकीर्ण विचारधारा वाले लोग ऐसी सोच जो कि बहुत ही छोटी सोच वाले लोग वो बोलते हैं औरतों को अधिकार ही नहीं उनका काम सिर्फ और सिर्फ घर के काम काज करना है बाहर रखने बाहर जाने का उनको अधिकार ही नहीं है इस टाइप की माइंडसेट वाले लोग बहुत सारे थे वेरियस इविल कस्टम्स और वाइड स्प्रेड इन आर सोसाइटी और बहुत सारे बुरे कस्टम्स हमारी सोसाइटी के अंदर वाइड स्प्रेड थे बुरे तरीके से फैले हुए लाइक द कस्टम्स ऑफ दूध पीती दूध पीती का एक कस्टम है दूध पीती राजस्थान के अंदर एक कस्टम चला आ रहा है बहुत सालों से चला रहा है अभी भी कुछ चार पाँच सालों में एक ना एक इंसिडेंट ऐसा सुनने को मिल ही जाता है सुनने को मिलता है होता होगा वाइट स्प्रेड है दूध पीती का मतलब फीमेल इन्फेंटिसाइड छोटे बच्चे को जो एक जिसका जेंडर फीमेल है एक बच्ची को वो बचपन के अंदर ही भ्रूण हत्या जैसा जिसको बोलते हैं वो एक अलग चीज़ है पर यहाँ पर क्या है बचपन में पैदा होने के बाद उस बच्ची को इमर्सिंग न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड इन टू द कंटेनर फुल ऑफ मिल्क उसको मिल्क के अंदर ताकि वो जब तड़पे पे तो दिखाई ना दे हमको और उसे कोई घर का एल्डर है वो उसे नीचे दूध के अंदर डुबो के मार देते हैं फिर बाद में ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं ये इस टाइप की सोशल ईवल्स प्रिवलेंट बहुत जगह हैं उनके रीज़न है अपने के आ, औरतों को जीने का अधिकार नहीं अगर वो बड़ी हो गई तो हमें उन उसके लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा और ये सब चीज़ें बहुत सारे गलत माइंडसेट उनके दिमाग में सेट है दूसरा था सती सिस्टम जो कि ऑलमोस्ट अब ऑलमोस्ट गॉन है सती सिस्टम मैं यानी कि बर्निंग ऑफ वुमेन विद हर हस्बेंड्स फ्यूनरल पायर मैंने ये वर्ड आपको सिखाया था फ्यूनरल पायर जो चिता है चिंता चिता समान है तो चिता के अंदर जो लकड़ी की जो चिता है उसके अंदर हमारे यहाँ हिंदू कस्टम्स के अंदर जलाया जाता है जब पति को तो औरत को ज़बरदस्ती फोर्सिबली उसके अंदर ही बैठा के साथ में जलाया जाता है ताकि वो भी सती हो जाए और वो परमात्मा का अपने हस्बैंड के साथ ही पहुंच जाए डिनाइल ऑफ विडो री मैरिज और विडो री मैरिज मानिए कि विधवा विवाह की ना क्या ना बोल देना अगर पुराने समय में आप देखेंगे तो बहुत लोगों की जो शादी है बहुत कम एज में हो जाती थी जब कम एज में शादी हो जाती है उसके बाद अगर बाई चांस उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो हस्बैंड की डेथ होने के बाद बच्ची अगर पंद्रह साल सोलह तो, साल की तो भी लाइफ टाइम उन्हें विधवा आश्रम में रहना पड़ता और उनके जितने भी जो अच्छे प्रसंग है उसमें से उन्हें निकाल दिया जाता और कोई उनका मुंह नहीं देखता और इस सारा का सारा जो दोष है उनके ऊपर मर दिया जाता और फिर उनको समाज के अंदर किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता ये सारे बहुत ही सोशल इवल प्रैक्टिसज वर प्रिवलेंट एंड गोइंग ऑन एंड ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन अ न्यू अवेकनिंग रेनेसा बिगेन बिगैन इन द नाइनटीन सेंचुरी टू रिमूव द एविल कस्टम्स फ्रॉम द सोसाइटी अब क्या हुआ वेस्टर्न एजुकेशन जब मार आया वेस्टर्न एजुकेशन जब लाया लॉर्ड मैकॉले जब वो लेकर आए तो न्यू अवेकनिंग एक टाइप का अवेकनिंग आ गया लोगों के अंदर एक नई सोच नई इच्छा नया जागरूकता आई बिगैन इन द नाइनटीन सेंचुरी उन्नीसवीं सदी में टू रिमूव द इविल कस्टम्स फ्राम द सोसाइटी हमारी सोसाइटी में से जितने इविल कस्टम है उसे निकालने का बीड़ा उठाया कुछ लोगों ने इंडियन ही थे जो बहुत ही प्रोमिनेंट लोग थे और उन लोगों ने फैसला किया कि अब ये नहीं चलने देंगे Because हम बिकॉज हम पढ़े लिखे हैं हम दुनिया के कंधे से कंधा मिला के हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर भारत आज़ाद होना चाहता है तो उसे कुरीतियों से भी आज़ाद होना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ ये नाम की आज़ादी से काम नहीं चलेगा वी हैव टू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ शैकल्स तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में थी इंटेंसिव एफर्ट्स बहुत कठोर परिश्रम किए गए व मेड टू ब्रिंग इन सोशल एंड रिलीज रिफॉर्म्स सोशल और रिलीजस रिफॉर्म्स बनाए गए नए नए सोसाइटी से और रिलीजन से रिलेटेड राजा रोम राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट अमंग सच रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन रॉय को ऑलवेज प्रिकर्सर के नाम पे जाना जाता है टॉर्च बेरर भी कह सकते हो आप प्रिकर्सर कह सकते हो हिंदी में अग्रदूत कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ ऐसा बीड़ा उठा लिया है कि वो लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करेगा ताकि वो लोगों की बेटरमेंट के लिए फ़ॉर द बेटरमेंट ऑफ़ द पीपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ़ द सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड वो उनके बारे में उनका एक विचार था और वो उसको इतना बढ़िया इम्पेक्टस उन्होंने दिया कि वो आगे जाकर एक लॉ बना दिया गया उसको फ्रेम लॉ में फ्रेम कर दिया गया इतना उन, उनका जो परफॉर्मेंस था इतना सुपर था राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन ईयर सेवनटीन सेवनटी टू सी ई इन द हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन राधा नगर विलेज इन ब्राह्मण फैमिली इसका ये एम सी क्यू का एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है देखो कौन कहाँ कब पैदा हुआ था ये एक बहुत ही अच्छा डेटा है इसे हमेशा याद रखना चाहिए ये बहुत हैंडी होता है और बहुत ज़्यादा काम आता है अब आगे जाके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशनस में बैठें तो दिस विलकम रियली वेरी हैंडी तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है बात अब ये कई लोग इसमें क्वेश्चन भी रेज करते हैं कि सर हम क्यों किसी का डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ याद रखें मैं पूछता हूँ क्यों न रखें अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो कितनी अच्छी बात है ठीक है मैं आपको जो एक पोएट के बारे में बताऊंगा ये आपको पता करना है एक बहुत फेमस पोएट थे और राइटर भी थे तो जब वो पैदा हुए थे हेलीस कॉमेट धरती के पास से निकला था हेलीस कॉमेट आई बिलीव 76 और 73 आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट तो आपको पता करें हेलीस कॉमेट धरती के पास से 76 सिक्स ईयर्स से क्रॉस करता है 76 सिक्स ईयर्स में एक बार क्रॉस करता है जब तो वो पैदा हुए तब उन्होंने ऐसा बड़े हुए थोड़े तब तब वो पैदा हुए तब हेलीस कॉमेट धरती के पास से निकला था तो उन्होंने बाद बाद में मजाक मजाक में बोला था मैं हेलीस कॉमेट के साथ आया था और हेली कॉमेट के साथ ही जाऊँगा और मार्क ट्वेन उनका नाम था मैं बोल देता हूँ मार्क ट्वेन जब आ, दुनिया से गए तब हिलीज कॉमेट उसके अगले दिन ही धरती पाए यानी 76 टी सिक्स ईयर्स की एज में अब ये को है कितना फ़नी को है आप देखो फ़नी भी है और बहुत ही ज़बरदस्त को है कि उस आदमी को पता भी था अब इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है इसके बारे में जानना कितना फैसिनेटिंग लगता है ये सब स्टफ़ जानना तो मैं इसको पढ़ता रहता हूँ और बहुत ये डेट्स से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल को इंसीडेंसेज बहुत फ़नी कोई भी होते हैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग को भी होते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखना सेवनटीन सेवेंटी टू सिर इन द हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन राधा नगर विलेज इन ब्राह्मण फैमिली और वो ब्राह्मण थे राजा रामन रॉय गॉट मैरिड इन अर्ली चाइल्डहुड पहले सबकी मैरिज मैरिज जो, जो थी अर्ली चाइल्डहुड में हो जाती थी इज़ ब्रदर्स वाइफ बिकेम सती ऑन और हस्बैंड्स डेथ और उनको शौक लगा कि उनके जो ब्रदर थे उनकी जब डेथ हुई तो उनकी जो भाभी होती हैं ब्रदर्स वाइफ उनको सती के अंदर चढ़ा दिया गया तो दिस इंसिडेंट शुक राजा राम मोहन रॉय डीपली उससे उनको बहुत ज़्यादा डीप हर्ट हुआ ही इनिशिएटेड मैनी रिफॉर्म्स और फिर उन्होंने इनिशिएट किया इनिशिएट मीन्स शुरुआत की मैनी रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स में मतलब बदलाव लाना फॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स एंड प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द इविल कस्टम्स सच एज़ चाइल्ड मैरिज और प्रोटेस्ट किया बहुत गहरा विरोध किया स्ट्रांगली अगेंस्ट द इविल कस्टम्स सच एज चाइल्ड मैरिज सबसे पहले तो बाल विवाह के ऊपर बाल बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए उनकी उम्र एक लेवल पे आ जाए चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो वो अपनी जिम्मेदारी समझे शारीरिक रूप से पूरा विकास हो जाए अपना पढ़ाई कंप्लीट करे और अपने खुद को जब संभालने की जब वैल्यू लेवल आ जाए एट दैट टाइम दिस इट इट इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैरिज तो चाइल्ड मैरिज के बिल्कुल विरोध में थे कास्टिज़म कास्टिज़्म का मतलब है कि हम अपनी जाति विशेष को और ज़्यादा प्रमोशन देते हैं और बाकी दूसरे की जाति को हम इसको नीचे मानते हैं तो ये भी एक प्रकार का सोशल लेवल है कि अपनी कास्ट को सुप्रीम कास्ट मानना और दूसरे की कास्ट को नीचे मानना अब कास्टिज्म में ऐसा भी है आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम के अलावा भाई हिंदू के अंदर भी चार वर्ण हैं चार वर्ण में कौन कौन से हैं ब्राह्मण हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र अब इनके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पार्ट हैं वैश्य के अंदर आप देखेंगे तो जैन हैं जैन के अंदर भी आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के कई अग्रवाल भी हैं अग्रवाल में भी बहुत सारे पार्ट हैं गुप्ता भी हैं फिर आप आगे जाएंगे तो कोई मोड वणिक हैं कोई ऐसे हैं जो वैष्णव बनिया हैं तो ऐसे बहुत सारे आपको छोटे 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 जैन के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे आ, उनके पॉइंट्स हैं श्वेतांबर दिगंबर आप देखेंगे फिर आप देखेंगे बुद्धिज़्म में तो महायान और हीनयान है इस्लाम के अंदर आप देखेंगे तो शिया और सुन्नी हैं क्रिश्चियनिटी में आप देखेंगे तो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट हैं तो ये बहुत सारे आप देखेंगे बहुत सारे बिलीफ है बिलीफ के अंदर और बिलीफ है बिलीफ के अंदर और बिलीफ, और बिलीफ, अंदर, और, बिलीफ और बिलीफ के अंदर भी बिलीफ है ब्राह्मण जो बोलते हैं हम एक ब्राह्मण हैं ब्राह्मण के अंदर भी बहुत सारे गोत्र हैं जिसमें से सुप्रीम और कोई उन्होंने कोई सुप्रीम गोत्र भी है उसके नीचे और गोत्र भी हैं कई ऐसे ऋषि हैं जो सप्त ऋषि हैं उनके नाम पर ही सारे हैं तो कई अपनी सुप्रियोरिटी प्रूवन करने के लिए कुछ और बात कहते हैं कई अपनी सुप्रियोरिटी प्रूवन करने के लिए कुछ और बात कहते हैं क्षत्रिय भी अपनी सुप्रियोरिटी प्रूवन करने के लिए अलग अलग बात कहते हैं तो ये जो कास्टिज़्म है वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गहरा अंदर पैवस्थ हो चुका है उसको निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन है पर उसके बारे में समझना और उसको जान लेना एक सिंपल एग्जाम्पल है मैंने एक सिंपल डेटा कहीं पढ़ा था इंग्लिश uh, में एक बहुत अच्छा सा एक सेंटेंस आता है कि न्यूयॉर्क इज़ द मेल्टिंग पॉट पॉट ऑफ द कल्चर न्यूयॉर्क जो है मेल्टिंग पॉट है कल्चर का मेल्टिंग पॉट क्या होता है मेल्टिंग पॉट जैसे आप कभी भी uh, किसी रेस्टोरेंट में जाएँ तो आप एक चीज़ का एक बोल रखा हो पूरा मेल्ट किया हो उसके अंदर आप कोई चीज़ कोई भी uh, चॉकलेट वगैरह मेल्ट की हुई है उसके ऊपर उसमें डूबा के आप खाओ तो कितना आपको अच्छा उसको फोंडू बोलते हैं अपने नाम सुना हो तो चॉकलेट फोंडू भी बोलते हैं चीज़ फोंडू भी बोलते हैं मेल्टिंग पॉट में क्या सब चीज़ें मेल्ट हो गई पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या है तो न्यूयॉर्क के अंदर ऐसा एक डेटा है कि न्यूयॉर्क की सड़क पर आप गुजर रहे हैं अगर अमेरिका की तो हर दस में से आठ आदमी आर ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ वो अलग अलग नेशनैलिटी के लोग हैं यानी वो इतना कल्चर इकट्ठा हो गया किसी को किसी की पढ़ी नहीं अब हम यहाँ पे इंडिया के बारे में अभी हम कास्ट के बारे में ज़्यादा सोचें मेरी कास्ट ये है मैं वो हूँ सुप्रीम कास्ट हूँ अगर आप फ़ॉरेन चले जाएँ आप साइंटिस्ट बन जाएँ नासा में काम करें तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कोई एक ब्राह्मण ही आपके लिए भोजन बनाएगा वहाँ पे जो जो आपको अवेलेबल है वही आपको फूड करना फूड आप आर्कटिक पे किसी मिशन पे जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या खाएंगे जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट है वो आप वहाँ पर किसी की कास्ट पूछने जाएंगे या कोई आपके साथ कोई हेल्प आउट करेगा कि आपके साथ एक बैठ के एक थाली में खाना खाना के भी पड़ेगा किसी को कंबल भी शेयर करना पड़ सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आप क्या करेंगे तो ये जब ह्यूमन सिचुएशंस हैं हमको बी ह्यूमन हमेशा ह्यूमन बने रहना चाहिए ये सब चीज़ें हमको कास्टिज्म से ऊपर उठाती है पढ़ा लिखा इंसान ये बात समझ सकता है ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं दूध पीती बारे में बात की ही स्टार्टेड द बंगाली न्यूज़पेपर नेमली संवाद कौमुदी इन द ईयर 1821 ये दूसरी एक डेट है इसे याद रखना संवाद कौमुदी उन्होंने शुरू किया था एटीन एंड ऑल्सो मीराबर इन पर्शियन और फारसी लैंग्वेज के अंदर जो जिसको पारसी पारसी फारसी लैंग्वेज बोला जाता है इन एटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू के अंदर संवाद कौमो हिंदी में और फारसी में मीराकबर तो था कि वहाँ की जो मैक्सिमम पब्लिक है अब कई लोग बोलेंगे फारसी लैंग्वेज कौन सी है पर्शियन लैंग्वेज कौन सी है हमको तो पता नहीं इस बारे में पर ऐसा एक हिंदी में और पुराने टाइम से कहा जाता है कि फारसी वो आलिमों की लैंग्वेज है आम मतलब आलम वर्ड भी पर्शियन वर्ड है आलम मतलब दोज जो आर लर्नड जो समझदार हैं स्कॉलर्स हैं और एक बहुत बढ़िया कहावत है उर्दू के अंदर वो ये बोलते हैं कि पढ़े लिखे को फारसी क्या हाथ कंगन को आरसी क्या ये उल्टा है हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या समझे हाथ कंगन मतलब आपने हाथ में कंगन पहना हुआ है तो आपको आरसी की ज़रूरत नहीं आरसी मतलब गुजराती में अरीसा अरीसा यानी कि कांच हाथ में अगर कंगन पहना है तो कांच की क्या जरूरत है आप देख लो और पढ़ा लिखा है उसको पर्शियन जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है उसकी भी जरूर कोई तो, उससे डर नहीं है मतलब आप ये समझ गए बात को तो पर्शियन लैंग्वेज इतनी पॉपुलर थी एट दैट टाइम कोर्ट लैंग्वेज थी इन द ईयर 1822 ब्रह्म समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1820 और ये इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश्ड द हिंदू कॉलेज इन कोलकाता और हिंदू कॉलेज की स्थापना की रिकमेंडेड मैनी चेंजेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस थे उसको रिकमेंड किया उन्होंने कि आप प्लीज इसे अपनाइए लाइक द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस सबसे पहली जो चीज़ थी प्रेस की आज़ादी प्रेस मतलब जो न्यूज़पेपर है उसे कम से कम आज़ादी होनी चाहिए कि पब्लिक क्या सोचती है पब्लिक का क्या विचार है जो कॉमन कॉमन कॉन्सेंसेस है वो पब्लिक का आपको पता होना चाहिए पब्लिक कॉन्शंस क्या कहता है समाज क्या सोचता है वही पता नहीं होगा तो कैसे करेगी कह कहते हैं ना किसान लेखक राइटर और टीचर ये सॉरी किसान राइटर और टीचर ये तय करते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा तो ये इन तीनों की बात हमको सुनना लेखक की बात सुनना इक्वल ज़रूरी है किसान अपना काम कर रहा है टीचर अपना काम कर रहा है पर जो लेखक है उसे तो आप काम कर रहे हैं तो अपना वो बताएगा समाज के आज के दौर में क्या हो रहा है तो ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई एंड ही रिकमेंड मेनी चेंजेस इन ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच की मतलब आप एक बोलने की आज़ादी विमेन्स राइट सबसे पहली बार किसी ने महिलाओं की आज़ादी की बात की महिलाओं के भी अधिकार हैं पर्सनल लिबर्टी हमको कुछ छूट होनी चाहिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो जज हैं वो आज़ाद होने चाहिए वो अपने फैसले न्याय संगत लें ना कि एक तरफ से बायस्ड होके लें एट्सेट्रा राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट टू तो अबॉलिश अंडरलाइन द वर्ड अबॉलिश द वेरी फाइन वर्ड अबॉलिश का मतलब है पूर्ण रूप से खत्म कर देना बॉलिश कर देना ये लॉ चलेगा ही नहीं था सती सिस्टम जो सती प्रथा का नाश कर देना उसे खत्म कर देना खात्मा कर दिया सती प्रथा प्रथा का एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिंग पास अ लॉ टू बॉलिश द सती प्रथा इनमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बहुत बहुत धन्यवाद वह थैंक यू बिकॉज उन्होंने इस चीज़ को समझा उन्होंने बोला ये एक ऐसा सोशल लेवल है जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए और ब्रिटिश को इससे कोई नुकसान या कोई फ़ायदा लॉन्ग टर्म हो सकता था नुकसान कुछ नहीं है तो वो उन्होंने इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया तो सती प्रथा को खत्म किया द लॉ वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 1829 बहुत कठोर परिश्रम के बाद 1829 में इस लॉ को फ्रेम कर दिया सो इट कैन बी सेड दैट राजा राम मोहन रॉय लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेनासों न्यूवेनिक राजा राम मोहन रॉय पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंडियन रैनसा को वापस अवेक कर दिया विद रि रिगार्ड्स टू इनिशिएटिंग सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और उनकी वजह से ही सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बनने लगे द एम्पर ऑफ डेली सेंट राजा राम मोहन रॉय टू इंग्लैंड इंग्लैंड इन दर एटीन थर्टी सी इन रिगार्ड्स टू केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी अब जो एम्पर ऑफ़ डेली उस समय थे उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा एटीन में इन रिगार्ड्स टू इस केस उनका जो केस था राइट टू प्रॉपर्टी कि प्रॉपर्टी प्रो, का अधिकार भी होना चाहिए हमें हम कुछ एक प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हैं राजा राम मोहन राय डायड इन ब्रिस्टल इन ईयर एटीन थर्टी थ्री और उनकी जो मृत्यु है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड का एक शहर है ब्रिस्टल वहाँ पर एटीन थर्टी थ्री में उनकी डेथ हो गई ब्रह्मो समाज प्ले व वाइटल रोल वाइटल रोल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन रिफॉर्मिंग द कंटेम्प्रेरी हिंदू समाज ऑनलाइन द वर्ल्ड कंटेम्प्ररी कंटेम्प्रेरी मतलब उस समय का समकालीन ऑर्स्ट वाइल uh, कई लोग कंटेम्प्रेरी को नहीं समझते हैं कंटेम्प्रेरी मतलब वो उस समय का उस कालीन हिंदू समाज ब्रह्मो समाज ट्राई टू अबॉलिश द रिजिड एंड superstitious रिलीजियस बिलीव प्रिवेलेंट देन अब जो ब्रह्मो समाज था उन्होंने ट्राई टू अबॉलिश उन्होंने ट्राई किया अबॉलिश करने का नाश करने का द रिजिड रिजिड मतलब जो एकदम कड़क है अब आप देखेंगे ना हिंदी में ऐसी कहावत है कि जो बड़ी आंधियों के अंदर जो कड़क पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं और बैम्बू आगे पीछे झूल के निकल जाता है जो रिजिड होते हैं वो हमेशा टूट जाते हैं और जो सॉफ्ट होते हैं वो बड़ी बड़ी आंधियाँ सहन कर लेते हैं एंड सुपरस्टिशियस सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास से भरे जो रिलीजियस बिलीफ थे वहाँ पे जो फैले हुए थे कि किसी को टच करने से पहले किसी अगर लोअर कास्ट के आदमी को अगर टच भी कर दिया उन्होंने हमें टच कर दिया तो हमें गंगा जाके नहाना पड़ेगा और हमको हमें इसका पश्चाताप करना पड़ेगा प्रायश्चित करना पड़ेगा ये सब फालतू की चीज़ें ये सब चीजें वहां पे ओपन अप थी आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा थिंक करते हैं व्हाट डू द वर्ड सुपरस्टिशन एंड एविल कस्टम मीन टू यू इससे आपका क्या मतलब है व्हाट विल यू डू टू रेडिकेट एनी सुपरस्टिश और एविल प्रैक्टिस प्रिविलेंट इन योर विलेज कम्युनिटी एंड थर्ड व्हाई डिड राजा राम रॉय स्टार्ट ए न्यूज तीनों चीजों पर सोचते हैं वॉ वॉट डू द वर्ड सुपरस्टिशन एविल कस्टम मीन टू यू आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो कुछ एविल कस्टम्स है अब देखो सब कुछ सुपरस्टिशन नहीं है इसमें थोड़ा ध्यान रखना आपकी मदर अगर आपको आ, स्कूल आने एग्जामिनेशन से पहले बोलती हैं कि आप तिलक लगा के जाओ भगवान के हाथ जोड़ के जाओ थोड़ा दही मीठा खिलाती हैं आपको तो वो एक ईविल प्रैक्टिस नहीं है वो एक बहुत ही नेचुरल बिलीफ है कि आप एक वन गॉड पर बिलीव करते हैं और जो भी बिलीव करते हैं देट इज़ एब्सोल्यूटली राइट वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपका एक कॉमन बिलीफ खड़ा होता है कि आपको विश्वास आता है और आप अपने अंदर एक प्रकार की एनर्जी महसूस करते हैं कि और एक प्रकार का आपके अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल होता है कि हाँ देखो मेरे साथ कोई ना कोई है मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरे गॉड मेरे को देख रहे हैं तो आपको कुछ गलत ना करने की भी प्रेरणा मिलती है तो वो सुपरस्टिशन है सुपरस्टिशन क्या है आप चल रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई एक जानवर है उसको पता नहीं है रास्ता पाट गया ओ मेरा बहुत मेरे साथ आज बहुत बुरा होगा मेरे साथ ये हो गया ये सब चीज़ें हैं गलत चीज़ सुपरस्टिशन से इविल कस्टम मतलब कुछ ऐसे गलत कस्टम्स जो हम किसी के कहने पे हम फॉलो करते हैं कि इसका ऐसा करो तो ये हो जाएगा उसका ऐसा करो तो वो हो जाएगा तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अभी तो ऑलमोस्ट सब ख़त्म ही है पर कभी ना कभी हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं कि कुछ ऐसी स्पेशल कास्ट हैं उनके साथ थोड़ा अन्याय ज़्यादा हो जाता है तो उनको बहुत हैरान किया जाता है तो ये सब सोशल हमको मिलजुल कर सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए पहला पॉइंट तो ये था वॉट विल यू डू टू इरेडिकेट एनी सुपरस्टिशन इरेडिकेट मतलब जल्द से समूह उखाड़ देना एनी सुपरस्टिशन और एविल प्रैक्टिस प्रेविलेंट इन योर विलेज कम्युनिटी हमारी विलेज या कम्युनिटी में किसी चीज़ को बाहर uh, को निकालने के लिए उखाड़ फेंकने के लिए हम क्या कर सकते हैं एंड वाई डिड राजा राम मोहन रॉये स्टार्ट अ न्यूज़पेपर और राजा राम मोहन रॉये ने स्टार्ट क्यों किया था न्यूज़पेपर देखो जो भी उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया दो न्यूज़पेपर शुरू किए एक तो पर्शियन न्यूज़पेपर था ठीक है उसका नाम आप देखेंगे यहां आप पे आपको आइडिया आ जाएगा मिरात उल अकबर पहली बात तो थी बरातुल अकबर और उससे पहला था संवाद कौमुदी यानी दो न्यूज़पेपर उनको शुरू करने की ज़रूरत पड़ी उसका मेन मकसद ये था कि उनके जो विचार थे ब्रह्मो समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको वो बिलीव उनके जो पॉपुलर बिलीव्स थे उसके अंदर लोग और ज़्यादा जुड़ते जाएँ चाहे वो पर्शियन हो चाहे वो हिंदी भाषी हो जो भी हो हिंदी पढ़े फारसी पढ़े वो सभी इकट्ठे होकर उनके पॉइंट को समझें और वो मैक्सिमम लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे किसी भी धर्म विशेष को रिलीजन विशेष को वो टारगेट नहीं कर रहे थे इसीलिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तो ये उनका मेन टारगेट ये था अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर